धनुराज के जातक हैं, आज आपको छोटी छोटी बात को लेके तनाव हो सकता है, तो उसमें तनाव ना ले, तनाव से जितना दूर रहेंगे उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी ऊर्जा जो है सही दिशा में लगाएं, एक ही ऊर्जा है, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन लगाएं पॉजिटिव डायरेक्शन लगाएं, तो बेहतर ये होगा कि अपनी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में लगाएं और अच्छा कार्य करें, आपके लिए बेहतर होगा। गुस्सा करने से परहेज करें, अर्थ के क्षेत्र में वृद्धि होगी, नया रोजगार खोल सकते हैं, नया रोजी रोजगार का अवसर मिलेंगे, नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, गृह निर्माण का भी योग बन रहा है और नए घर बनवा सकते हैं, इस तरह की संभावना बन रही है। पत्नी का सहयोग मिलेगा और दूर देश की यात्रा हो सकती है, जिससे थोड़ा मन आपका तनाव में हो सकता है, लेकिन जो तीर्थाटन करेंगे देशाटन करेंगे उससे आज आपको आर्थिक लाभ की भी संभावना बन रही है। और आज आपका सूर्य बुध नवम भाव में, तो भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे और बृहस्पति शुक्र एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो आय की स्थिति अच्छी होगी, शिक्षा के क्षेत्र से आज आपको लाभ मिलेगा, संतान अच्छे करेंगे जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, पत्नी और माता में संबंध बहुत अच्छा रहेगा और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी योजनाएं गुप्त रखनी है। उपाय क्या करना है, पीली चने की दाल मंदिर में दान करें अच्छा रहेगा, पक्षियों को दाना खिलाएं, शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पिंक है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।